व्याख्या की। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अब आप देखिए कि अयोध्या में जो एयरपोर्ट है उसका नाम जो है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। कैसे जो जिसको हम नव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या कह रहे हैं, कैसे इन सारे लोगों को एक साथ समाहित करने की कोशिश की गई। भगवान राम की मूर्ति हम देखते हैं तो वो काले पत्थर की बनाई गई है। उनका बाल रूप हम देखते हैं तो बाल रूप देखते ही मंत्र किसी का भी मुग्ध हो जाता है। मैं खुद को नहीं कहता, मैं कहता हूं कि भाई किसी का भी मुग्ध होता है। सवाल यह है कि जिस तरीके से ये सारे काम हो रहे हैं, जिस तरीके से चीजें, आप अयोध्या जाइए, आप देखिए वहां दुनिया भर से लोग आना चाहते हैं। मैं कुछ दिन पहले मुझे वहां जाने का अवसर मिला, जो व्यक्ति 50 रुपए कमाता था उस समय, आज वो 5000 रुपए पर दिन कमा रहा है। इसको अगर हम राम के दृष्टि से देखें, राम राज्य तो हम किसको कहते हैं? राम राज्य तो हम यही कहते हैं ना कि भाई सारी जनता सुखी है, किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है। हम कहते हैं राम राज्य आ गया, यही तो राम राज्य की परिभाषा है। आप इसको किस नैरेटिव से देखते हैं? पहले मैं मैडम से क्षमा याचना के साथ दो बात कहना चाहता हूँ। मैं तो हिंदी का प्रोफेसर रहा, पर थोड़ी बहुत घुसपैठ संस्कृत में करता रहता हूँ। वाल्मीकि रामायण के में जब भगवान राम वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं तो वहाँ वाल्मीकि अपना स्वयं परिचय देते हैं, प्राचेत अहम दशम है पुत्र है, मैं प्रचेता का दसवां पुत्र हूँ, और वही बात अध्यात्म रामायण में कहते हैं। तो पहले तो इस भ्रम को निकाल दें कि वाल्मीकि रामायण के रचेता रत्नाकर डाकू थे। फिर आप कहेंगे कि भाई साहब ये कथा कहाँ से आई थी। ये सत्य है कि वाल्मीकि रामायण के रचने वाले भी के अतिरिक्त भी एक और वाल्मीकि थे जो सुमित शर्मा के पुत्र थे। उनके अध्ययन में, वेदाध्ययन में मन नहीं लगता था, और वे फिर उनके पिता कभी ऐसा हुआ कि वहाँ अकाल पड़ गया और विदिशा के जंगल में चले गए। वहाँ उस सुमित शर्मा के पुत्र का संबंध डाकुओं से हो गया, वह डाकू बन गया, और कभी फिर ये नवऋषि आए, सप्तऋषि आए, और सप्तऋषि में अत्रि ने कुछ उन्हें समझाया। उसके बाद 13 वर्ष तक उसने तप किया, उसके ऊपर भी वाल्मीकि जम गई और इस कारण उसका वाल्मीकि नाम पड़ा। इसलिए ये दोनों भृगुवंशी हैं, दोनों ब्राह्मण हैं, परंतु दोनों में अंतर है। और वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में वाल्मीकि स्वयं कहते हैं कि मैं प्रचेता का दसवां पुत्र हूँ, एक बात। दूसरी बात, भारतीय परंपरा में मुझे भी बोलने जो इस पे मैं बात आप ये समाप्त कर ले तो आप बोलो, मैं तो चाहता हूँ। हाँ, भारतीय परंपरा में, भारतीय परंपरा में जो संतान का जो मानव वर्णन होता है वो पिता के आधार पर होता है। व्यास पराशर की संतान है, उनकी माँ भले ही धीवर की कन्या हो, पराशर की संतान है, तो व्यास ब्राह्मण है, ना कि उन्हें शूद्र कहना उनका अपमान है। मैं शूद्र को और ब्राह्मण को कोई छोटा बड़ा नहीं मानता। मैं ऐसा कोई नैरेटिव नहीं देना चाहता कि शूद्र को छोटे हैं। हम सब भगवान ब्रह्मा से पैदा हुए हैं, और जिनको ये कहते हैं कुछ लोग के शूद्र कोई इसलिए निंदा हो रही है कि साहब वो कहते हैं वो पदाभ्यान जाए थे पैरों से। शर्मा जी, हम लोग राम राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि लेकिन इसका जवाब लेने से फिर हम लोग की ये डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। हां जी।